हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ फिफ्थ लुक दुर्गा पूजा का। ये मैंने ब्राउन टोन में, गोल्डन टोन में, रेड टोन में बहुत ही अच्छा सा आई शेडो और किस टाइप से आपको मेकअप रखना चाहिए ताकि वो उभर के आए, लुक दे देता है। तो अभी जो बच गया था वो था ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से कुछ ट्राई करूंगी अपना आई शेडो क्रिएट करने का। फाउंडेशन मैं यहाँ पे 128 शेड के साथ जा रही हूँ, विच इज़ वॉर्म न्यूड। इसको बैक ऑफ द हैंड पे हम निकाल लेंगे। मैं पहले ही कर चुकी हूँ तो आपको वो करके आना है। अच्छे से अपना स्क्रबिंग कर लें, स्किन केयर कर लें, मॉइस्चराइज कर लें अपने फेस को और उसके बाद ही मेकअप अप्लाई करें। आप देखेंगे कि कितना फिनिश सा लुक आता है। तो सबसे पहले जब भी आप फाउंडेशन लें, नेक पे लगाना ना भूलें। ईयर्स, फेस और नेक आपका बिल्कुल सेम हो रहना चाहिए। सबसे पहले अपने फिंगर की मदद से अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस पे हम फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जब आप स्पॉन्ज से लगाते हैं तो वो काफ़ी प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें कम प्रोडक्ट के साथ जाना है पूरे फेस में। एक बार अपने फिंगर की मदद से इसको हम स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद एक ब्यूटी स्पंज की मदद से टैप कर लेंगे पूरे फेस में, ताकि अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कहीं पे लगा हो तो वो स्पंज हमारा सोक कर ले और हमारे फेस को एक फिनिश्ड सा लुक मिल सके। मूविंग विद द स्टार का कंसीलर इन द शेड लाइट, हम अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर देंगे ताकि फेस हमारा उभरे, बिल्कुल फ्लैट ना लगे, एक डायमेंशन मिल सके फेस को। तो जहाँ जहाँ पे भी हमें फेस पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जहाँ जहाँ पे भी, वहाँ पे हम अपने फेस को ब्राइटन कर लेंगे। एंड देन विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज हम कंसीलर को ब्लेंड कर देंगे। मेरे पास लैक्मे एब्सोल्यूट इल्यूमिनेटिंग शिमर ब्रिक पैलेट है, जो कि आपको 725 रुपीज़ में मिल जाता है। ये शेड है 01 पिंक। बहुत ही अच्छा सा चार शेड आपको इसमें मिल सकता है। तो आप चाहे तो इससे मिक्स करके भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं या सिंगल सिंगल भी अप्लाई कर सकते हैं आप। चारों बहुत ही डिफरेंट शेड्स के आपको शिमर मिल जाएंगे। और मुझे मिक्स्ड कलर पसंद है तो मैं चारों कलर को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर देती हूँ। बहुत अच्छा सा पिगमेंटेशन है, इंस्टेंटली आपके फेस को काफ़ी ब्राइटन सा लुक दे देता है और आपको एक्स्ट्रा हाईलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी शिमर पार्टिकल है जो आपके फेस को काफ़ी अच्छा सा ग्लो दे देता है। तो फेस को कर लेंगे हम ब्रॉन्ज। हमेशा जब भी आप कॉन्टोरिंग करें अपने फेस की, हमेशा लाइट शेड से शुरुआत करें ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट आपके फेस पर ना लग जाए। और थोड़ा सा इसे मोर डार्क शेड, थोड़ा सा मैं और इसे शार्प करूँगी। मूविंग टू द आईब्रोज, मैं यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर में इस क्लेयर का यूज़ कर रही हूँ। अपने आईब्रोज को शार्पनेस से लुक दे देंगे। मूविंग टू द मेबलिन कंसीलर, हम अपने आईब्रोज को अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेंगे। बिल्कुल HD सा लुक मिल जाता है ऐसे करने से। जस्ट डिफाइन योर आईब्रोज वेल और बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स में ले जाते हुए हमें इस कंसीलर को मिक्स करना है, ताकि बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो जाए। आई शेडो मैं यहाँ पे जेम्स चार्ल्स पैलेट यूज़ कर रही हूँ, गोइंग विद द न्यूट्रल कलर, ऑरेंज कलर। हम पूरे आईलेट को कवर कर लेंगे, स्पेशली ऑन द क्रीज एरियाज, और इसी कलर को लेके हमें नोज़ की तरफ भी आना है लाइक दिस। और सेम कलर हमारे लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लेंगे हम। देन टेकिंग सॉर्ट ऑफ अ ब्राउन ग्रीनिश कलर हम लेंगे और आउटर वी पे अप्लाई करेंगे और सेम कलर हमें लोअर लैश लाइन पे भी लाना है और हमें मिक्स कर देना है।
मैं टेकिंग अ क्लीनर ब्रश, हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे आईज़ पे ना लग जाए। एंड टेकिंग दिस शेड राइट हियर, हम अपने पूरे आईलेट पे से अप्लाई कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि शिमर कलर है तो अपने हैंड की मदद से करेंगे। देन टेकिंग दिस गोल्डन कलर राइट हियर, हम अपने इनर कॉर्नर ऑफ द आईज़ और थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे नीचे अप्लाई करेंगे ताकि ये शाइन मिल सके हमारे आईज़ को, बहुत ज़्यादा डार्क एंड ना लगे। और उसके बाद विद हेल्प ऑफ मिसलर वाटर हम ये जो डार्क ग्रीन कलर है इसे मिक्स करके एज अ आई लाइनर हम इसे अप्लाई कर लेंगे। थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करेंगे ताकि बहुत ही प्यारा सा फॉक्सी आई लुक हमें देखने को मिले। अप्लाई फॉल्स आई लैशेस। मैंने आईज बहुत ड्रामेटिक लुक में क्रिएट किया, तो मैं लिप्स के साथ बहुत न्यूड कलर में जाऊंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बेबलिन का द बेरली न्यूड कलर यूज़ कर रही हूँ। तो अभी ये कलर मेरे फेस को थोड़ा वॉश आउट कर रहा है, बट थोड़ा देर हम इसको वेट करेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से सेटल डाउन ना हो जाए, तो इसकी ग्लॉसीनेस चली जाएगी और थोड़ा सा ये डार्क कलर में भी आ जाता है, तो ये बहुत अच्छे से सूट होने लगेगा। शेड सूट ना करे तो आप थोड़ा सा ब्राउन कलर से लिप लाइन कर सकते हैं और उसके बाद ये कलर अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली ये आप पे बहुत अच्छा सो लगेगा। दिस इज़ माई फाइनल लुक यू गाइज। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, विच मीन्स अ लॉट टू मी, कीप्स मी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। सजेशन, कोई टिप्स, या चाहते हैं कि किसी टाइप की वीडियोस में लाऊं, कोई प्रोडक्ट का रिव्यू करूं, तो बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालिए। आई वुड लव टू रीड दैट एंड मेक वीडियो ऑन दैट द नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन, बाय गाइस।